बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई नट्स केक बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 200 ग्राम मैदा, 15 ग्राम चाहिए बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चाहिए लिना एसेंस का, 50 ग्राम चाहिए मिक्स नट्स जिसमें आप वॉलनट्स भी ले सकते हैं और आमंड्स भी, 100 ग्राम चाहिए सॉफ्ट बटर, 100 ग्राम चाहिए कुकिंग ऑयल, 4 अंडे 4 एग्स और साथ ही चाहिए 200 ग्राम पाउडर शुगर, आप आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इन सब चीज़ों को करते हैं मिक्स। 100 ग्राम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसी के साथ डालेंगे 100 ग्राम बटर। अगर आप चाहें तो आप ये पूरी रेसिपी ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको 200 ग्राम ऑयल चाहिए। अगर आप बटर में बनाना चाहते हैं तो आपको 200 ग्राम बटर चाहिए। मैं ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बेकरी में ऑयल के साथ भी बनता है और बटर के साथ भी, तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर, आप घर की चीनी को भी पीस के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। मैं पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, घर की चीनी को ही पीस के इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने का मतलब है अच्छी तरह से मिक्स इतना करना है कि आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको मिक्स करते रहना है, ताकि जो बटर है वो चीनी और ऑयल ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से एक जान हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने एक एक करके इसके अंदर एग शामिल करना है। एग शामिल करेंगे और साथ ही इसको मिक्स करेंगे, साथ ही आपने दूसरा एग शामिल करना है और उसको मिक्स करना है। मैंने 4 अंडे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि है एसेंस। एसेंस हम एग की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एग की स्मेल पसंद नहीं आती, इसलिए ये अच्छा फ्लेवर देता है। स्मेल बहुत अच्छी आती है एसेंस यूज़ करने से, तो आप अच्छी कंपनी का एसेंस यूज़ किया करें। इसके बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है, जैसे कि नट्स। मैं इसके अंदर वॉलनट्स यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ आमंड्स यूज़ कर रही हूँ। और आपने इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ये देखिए पीस थोड़ा सा भरा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और काट लिया। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, जैसे कि मैदा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हमेशा मैदे के अंदर मिक्स कर लिया करें, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें। मैं फिंगर के साथ ही मिक्स कर रही हूँ, फिंगर मेरी बिल्कुल साफ़ है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा करके इसको बैटर के अंदर शामिल करेंगे। तो ये देखें जी, इसको बैटर के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाकी का आधा मिक्स करने के बाद डालेंगे। और आपने बहुत हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं कर देना कि वो ओवर मिक्स हो जाए। और ये देखिए मिक्स करने के बाद बाकी का मैदा भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें जी, हमने सारा मैदा बैटर के अंदर डाल दिया है और डालने के बाद आपने हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करते जाना है। ठीक हो गया, स्पैचुला के साथ करें या विक्स के साथ करें, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो हाथ के साथ मिक्स कर लें। ठीक हो गया, लेकिन करना है आपने बहुत हल्के हाथों के साथ, इसको बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना। तो ये 8x8 का मोल्ड है, 2 पाउंड का ये मोल्ड है। आपने सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है, सारा बैटर अच्छी तरह से आपने इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद हम इसको करेंगे बेक, और बेक हम इसको करेंगे 180 डिग्री पर 30-40 मिनट्स के लिए। और आपने बीच में इसको चेक भी करते रहना है और अच्छी तरह से मोल्ड के अंदर डालकर आपने इसको लेवल कर देना है। थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये ऊपर से लेवल हो जाए, और इसको करते हैं बेक। तो चलें जी, बेक हो गया हमारा केक और ऊपर से बहुत ही अच्छा कलर आया है। और ये देखें, ये केक थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। केक जब ठंडा हो जाए तभी आप इसको मोल्ड से निकाला करें, गरम गरम केक को नहीं निकालते। तो ये देखें जी, ऊपर आपने रखना है इस तरह से बोर्ड और इसको थोड़ा सा करना है टैप, और टैप करने के बाद ये केक निकल आएगा। और ये केक नहीं निकल रहा, निकलाओ निकलाओ। चलो जी, अब ये केक तो निकल ही नहीं रहा,
और अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर हम करेंगे नाइफ के साथ, या फिर आपने कोई स्पैचुला पकड़ लेना है, जो कि मैं अभी लेने गई हुई थी। तो ये देखिए मैं नाइफ लेकर आई हूँ, साइड पे थोड़ा सा नाइफ लगाएंगे ताकि ये साइडों पे जो चिपका होता है वो उतर जाए। तो इस तरह से आपने नाइफ से सारा उतार लेना है ताकि जो चिपका हुआ है वो उतर जाए। और दोबारा आपने बोर्ड रखना है और आपने इसको करना है टर्न। और ये देखें जी, अब आराम से ये निकल आएगा। तो ये देखें, ऊपर ज़ोर से ज़रा हाथ मारें और ये देखें जी, ये हमारा केक तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। अब आपने नीचे से जो बेकिंग पेपर था वो उतार देना है, ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद तैयार करते हैं। तो कटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आपने अब ये जो इसका बैक पार्ट था इसके ऊपर लगानी है ग्लेस, और ये नेचुरल ग्लेस है। ये आपको ईज़िली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी, जो बेकिंग शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप इसकी जगह जैम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जैम का वो रिज़ल्ट नहीं आता जो बेकरीज पे आता है। तो इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों तक मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपने फेसबुक पेज का, मेरी अपनी फेसबुक शॉप पर। यह आपको अवेलेबल हो जाएगी लेकिन 2 से 3 दिनों तक। अच्छा जी, तो अभी आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है जेल। ये आपने जेल अप्लाई करके तो नीचे भी अप्लाई करनी है और ऊपर भी, साइड्स पे भी इस तरह से अप्लाई कर देनी है, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो ये देखें, सारा अप्लाई करके आपने अब इसी जेल के अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करते जाना है, जैसे कि मैंने इसके अंदर किए हैं काजू शामिल, और ये जेल के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये काजू हम इसके ऊपर केक पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे ये जो है मेरे पास ग्लेस चेरीज़ है, ठीक है। और ये जो है शीरे के अंदर बिल्कुल डिप नहीं है, तो ये ग्लेस चेरीज़ और काजू जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो आप किसी भी तरह से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, चाहे तो चेरी साइड पर लगाएं, चाहे तो काजू लगाएं। तो ये देखें जी, मैंने ये सारी डेकोरेशन कर ली है। अब मैंने इसके ऊपर मज़ीद डेकोरेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको रखूँगी साइड पर। और ये मेरे पास हैं आमंड्स, बादाम, और ये बादाम को भी मैं इस जेल के अंदर ही डिप कर लूँगी। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो जेल के अंदर डिप करें, अगर आप चाहें तो आप हनी के अंदर यानी कि शहद के अंदर भी इसको डिप कर सकते हैं। बेसिक जो इसका रिज़ल्ट आता है वो हमें चाहिए शाइन, और साथ ही हम चाहते हैं कि ये केक के साथ अच्छी तरह से मतलब चिपक जाए, अच्छी तरह से लग जाए, ताकि ये हिले नहीं, मूव ना करें और अच्छा सा शाइन भी दे। तो ये देखें जी, अब ये जो आमंड्स है ये सारे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे जेल के अंदर। जो बेकरीज में केक्स बनते हैं वो भी जेल ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हनी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये देखें जी, हमने ये सारे अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके ऊपर मज़ीद जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखें, मैंने वॉलनट्स लिए हैं जो कि मैंने बहुत मेहनत के साथ तोड़े हैं, और बाज़ार से अगर भी आप लेना तो आपको मतलब हाफ टूटे ही मिलते हैं। तो मैंने वॉलनट्स लेकर उनको खुद तोड़ा था बड़े आराम से, प्यार से। तो ये देखें जी, ये भी जेल के अंदर मैंने अप्लाई करना है, जो कि जेल मेरे पास थोड़ी कम है, तो मैं और जेल लेकर आऊँगी और इसको डिप करके अप्लाई करती जाऊँगी ताकि अच्छी सी वॉलनट्स पे शाइन आ जाए। चाहे तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर थोड़ी सी जेल स्पून के साथ भी डाल सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से चिपक भी जाए और अच्छा शाइन भी दे। तो ये लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से टैप करना है, बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना, हल्के हाथों के साथ ज़रा दबा देना है इसको, ताकि ये केक के साथ चिपक जाए। तो जी, इसके बाद हमने इसके ऊपर बाकी के नट्स भी अप्लाई कर देने हैं। और ये देखें जी, मैंने सारे नट्स अप्लाई कर दिए हैं। अब मैंने इसके सेंटर पे रखनी है चेरी। अच्छा जी, अब चेरी जो है वो आप चाहें तो रेड कलर की रख सकते हैं, चाहे तो कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर की चेरी थी, तो मैं इसको सेंटर से हाफ़ करूँगी और इसको केक के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ताकि मेरी हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो और यूनिक रेसिपीज़, मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दुआओं में आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।